Hello? Hello? Oh, like this. Hello? Assalamu alaikum. Hello, ladies and gentlemen. Good evening and namaste. Sashri akal. Kaise aap log badhiya? मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जी टी वी का जिन्होंने मुझे दूसरी मर्तबा इस अवार्ड में आने का एजाज़ बख्शा. आप लोगों का मशहूर हूँ कि आप लोग हमें देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आपका प्यार है और जितनी मोहब्बत और तवज्जो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, इसकी जजा आपको अल्लाह ताला ता फरमाएंगे. इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करूँ. यहाँ पर कुछ अवार्ड्स हैं और कुछ परफॉर्मेंस मेरी है. जब हम इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो तकलीफ होती है तमाम लोगों को वो है एमिग्रेशन. सबको शौक होता है अमेरिका जाना है. आई वांट टू गो अमेरिका. ओ अमेरिका, ओ माय गॉड, व्हाट अ कंट्री, ओ गॉड मैन. हर आदमी खुश होता है अमेरिका जा रहे. जब अमेरिका जाते हैं और जब हमारी तलाशियाँ होती हैं, और मैं अभी पिछली मर्तबा गया, जो मेरी तलाशी हुई है, इतनी तलाशी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि मेरे पास से कुछ ना कुछ निकल आएगा. वो तलाशी नहीं लेते, अब उन्होंने नया सिस्टम किया, उन्होंने जमीन के ऊपर एक बॉडी शेप बना देते हैं और मेरे को बोले इसमें ऐसे ही लेट जाओ जैसे शेप बना हुआ. मैं बोला इस तरह हमारे मजहब में ठीक नहीं है, इस तरह हम लेटते हैं तो हमारे पे केस बन जाता है. बोले आपको ऐसे लेटना पड़ेगा. हमारी एक अदाकारा हमारे साथ थी, वो तलाशी को इतना एंजॉय करने लगी कि एक जगह पे हमारी तलाशी नहीं हुई तो वो नाराज होगी, बोले अरे ये कैसा, यहां तो तलाशी भी नहीं हुई. तलाशी क्यों होती है? शक होता है कि इनके पास कुछ ना कुछ होगा. मशीनों से हम जीत गए, नतीजतन वो कुत्ते ले आते हैं. मैंने कहा अमेरिकन अखबार में पढ़ा कि कस्टम में कुत्ते आ गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी पुरानी खबर आज क्यों छपी. पता चला वो डॉग्स हैं जो ड्रग्स को स्मेल कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो आते हैं सामान को सूंघते हैं. अल्लाह भला करे हमारे मुल्क से जाने वाले लोगों का जो इस किस्म का साग और दलिया पका के ले जाते हैं, जिसको सूंघने से उनके कुत्तों की नाकें बंद हो गई. उन्होंने कहा दफा करो, उन्होंने कहा दफा करो, ये 200 रुपए के साग के लिए 5 लाख का कुत्ता कौन मरवाए, क्योंकि वहां कुत्ते की बड़ी वैल्यू है और कुत्ते भी आम नहीं है, 22-22, 20-20 ग्रेड के कुत्ते हैं. कुत्ते बड़े प्यारे हैं, साफ सुथरे धुले हुए, शैंपू, नाखून कटे हुए, दांत मंजे हुए, दुम न्यू सेट, सोने की जंजीर. जो कुत्ता ला रहा है वो कुत्ता लग रहा है, कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा. कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा. कुत्ता तो हमारे ही मुल्कों में कुत्ता होता है. हमारे कुत्ते गरीब बेचारे, परेशान, टेंशन. हमारा कोई कुत्ता चैन से नहीं बैठा हुआ जो जा रहा. आदमी पूछे भाई तुम्हें काहे की टेंशन है. क्या होता है समझ नहीं आ रही है. कोई और ड्रामा भी चल रहा है साथ में. मुझे समझ नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं. किसी की इंसर्शन आती है तो आप बहुत शोर मचाते हैं और आप खुश होते हैं उनको देख करके. बड़े बड़े स्टार हैं इनमें, बहुत बड़े 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 कदीम स्टार बैठे हुए हैं, यानी कि इतने पुराने पुराने अदाकार यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ज़माने के इंजन भी बंद हो गए हैं. तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम डॉग्स के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारे कुत्ते तो हैं गरीब से कुत्ते, हमारे कुत्तों की कोई वैल्यू भी नहीं. बेचारे बारिश हुई तो नहा लिए, वरना नहा भी नहीं सकते. कुत्तों के साथ हो भी तो गलत रहा है. कुत्ते बैठे हुए हैं रेड़ी के नीचे, कोई बंदा खाना खा रहा है, उसने बिला वजह उसको लात मार दी. कुत्ता मुड़ के देख रहा है कि कुत्ता मैं हूं, हरकतें ये कर रहा है, ये क्या है. इसी तरीके से अगर आप देखें
तो जमाना चलता चलते आगे चलता है और जमाना चलते चलते बताता है कि वो कहाँ पहुंच गया। टेलीविजन ने बहुत तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि अब टेलीविजन की सीरियल इतने पॉपुलर हैं कि लोग अब उनकी वजह से अपनी तकरीबात मनसूख कर देते हैं। हमारे देश में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रामे पॉपुलर हैं। एक ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है, सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी, एक सास ने देखा कि उसकी बहू के कमरे से एक आदमी निकला, दीवार फैलांगी और भाग गया। सास ने देखा, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं बहुत ज्यादा मशकूर और ममनून हूं आप लोगों का, एंड आई एम सॉरी कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर और ममनून हूं कि आप हमें पसंद फरमाते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा फनकारों का, और फनकारों में सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा एक फनकार का जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनका नाम है अदनान समी। अदनान समी के पैदा होने से पहले दुनिया में एक इत्तला आई थी कि जमीन पर स्काईलैब आ रहा है। स्काईलैब की इत्तला आई कि स्काईलैब आने वाला है। ये जब पैदा हुए और इन्हें नर्स की गोद में दिया, गोद में से गिर गए, जमीन पे गिरे, जमीन पे गड़ा हो गया। उसके बाद इन्हें कभी भी दूध जो है वो फीडर से नहीं पिलाया गया, हमेशा ड्रम के ऊपर निपल लगा के पिलाया। इन्होंने खाना कभी निवालों से नहीं खाया, इन्हें हमेशा इनके नौकर ने कहा, मुंह खोलिए सरकार और फावड़े से लेकर ले खाएं। इन्होंने पानी पिया हमेशा ट्यूबवेल से पिया। इनके कपड़े जहां सिले जाते हैं वो दर्जी तंबू सीता है। इनके कपड़े जहां धुले जाते हैं, उस धोबी ने हमें बताया कि मेरे बच्चे इसकी पतलून में दो दो घंटे फिरते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता, अंदर एरो बनाए हुए हैं, आगे जाइए, लेफ्ट पे टर्न करें, सीधे जाए, चौरंगी घूम के बाहर निकल जाए। इनकी पतलून की जिप जिस कंपनी ने लगाई है वो लिफ्ट बनाती है।